हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये है घर में पड़ी हुई आरी को किस प्रकार से तेज किया जाए। हम सबके घर में हैंड टूल्स पड़े होते हैं और हम समय समय पर उनका यूज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक उनका यूज़ करने के बाद उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वुड सॉ यानी कि आरी हमारे सबके घर में पड़ी होती है, तो उसे किस प्रकार से तेज़ करते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऐसे की जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइल, जिसको आम भाषा में टकोरा भी कहा जाता है, उसे किस प्रकार आसानी से एक तरफ को हल्के हाथ से चलाए। आरी को आगे को ही टकोरा कटिंग करता है, पीछे हटाएंगे तो पीछे को कटिंग का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आरी के हर एक दांत को आपने एक समान रूप से तेज करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कारपेंटर साहब जो हैं वो बिल्कुल भी दबाव फाइल पर नहीं डाल रहे हैं, टकोरे पर बिल्कुल दबाव नहीं डाल रहे हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से चला रहे हैं। एक उंगली सिर्फ इसलिए रखी है ताकि टकोरे पर पकड़ बनी रहे। अब दोस्तों, आप में से जिसने भी आरी का पहले प्रयोग किया है, एक समस्या का सामना अक्सर हम लोग करते हैं कि हमारी आरी के दांत तेज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम उससे लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी के बीच में जाके हमारी आरी फंस जाती है। तो उसको किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है ये हम जानेंगे वीडियो में। पहले हम जान लेते हैं कि आरी तेज़ कैसे ना की जाए, ये ध्यान देने वाले। यूं नहीं करना चाहिए, है ना, और यूं नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पर अब इसमें करते हैं कि आरी अपने लेवल पे चलेगा तो टकोरा कम घीचेगा, अगर दबा के करेंगे तो टकोरा बहुत कम आरी तेज करेगा, आरी तेज कम करेगा, मतलब कि आहो मतलब कि कम चलेगा टकोरा, कम लाइफ कम हो जाएगी। हम कैसे करेंगे, ये टकोरा कितने का मिलता है बाजार में? बाजार में मिलता है ये टकोरा 60 रुपए का, 4 इंच का। अब इसके बाद आपको लोहे की एक पत्ती ले लेनी है जिसमें आधा इंच का एक कट जो है वो लगाना है आपको, इस तरह से जैसा वीडियो में दिखाया गया है। इससे जो है हम आरी के दांतों को थोड़ा मोड़ेंगे। कैसे मोड़ेंगे, इस प्रोसेस को जो है वो बींद देना छोड़ के। इस प्रकार दांतों को मोड़ने से आरी जो है एक गैप बनाकर चलती है और लकड़ी में नहीं फंसती ज़्यादा। एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट, एक छोड़ दिया एक लेफ्ट एक राइट, फिर छोड़ दिया एक लेफ्ट एक राइट, फिर छोड़ दिया एक लेफ्ट एक राइट, फिर छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से जानकारी मिली हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।